जय भोलेनाथ दोस्तों, 12:59 PM आफ्टरनून और मार्केट ना बढ़ रहा ना घट रहा, लेकिन स्टेबल किया हुआ। तो ये साला लास्ट में बदमाशी करता आपको पता ही है, लेकिन आज इतना जरूर हो गया कि वीकनेस शो कर दिया बैंक निफ्टी ने। मैंने कल चीख चीख के बोला था सबको कि बैंक निफ्टी इज़ वीक वीक मतलब वीक। भले ही उसने 23,100 के ऊपर बंद कर दिया था, अगर कल भी किसी ने शॉर्ट मारा होता तो आप देखो कल 23,100 के ऊपर भी भाव दिखा था और आज 22,321 का भाव आ गया। अब लास्ट में लोग तेज करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं वो फ्राइडे को सौदा काट के जाते हैं क्योंकि दो दिन की छुट्टी रहती है। लास्ट में तेज करेंगे और फिर आपको मंडे को ये लोग बड़ा गैप डाउन करेंगे। इनकी पॉलिसी मुझे जो समझ में आ रही है, मंडे को बड़ा गैप डाउन करेंगे। और आज के मैंने जो कॉल दिए वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ये नहीं लगे कि, और ये डिलीवरी भी कर सकते हो आप। दिखा देता हूँ पहले लाइन से, मैंने जी वापस दिया है क्योंकि जी ने टारगेट पूरा कर लिया था। अब फ्यूचर वालों के लिए लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है, जो स्टॉप लॉस डाल सकता है 144 पे वो करे। ये कितनी बजे दिया दिखा देता हूँ, 11:52 पे टारगेट 171 का है। भले ही मार्केट गिरे लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली है, स्टॉप लॉस हो सकता है आपका, 90% चांस है क्योंकि मार्केट मंडे को बड़ा गिरेगा, ठीक है। और मेरा तो फेल हो गया कि रेड कैंडल, अब तो भगवान ही बचा सकता है। तो मंडे को 10,800 भी आ सकता है निफ्टी 12:00, लेकिन आज अभी तेज करेगा, आज मत चक्कर में रहिएगा। लास्ट में बेच के जाने वाला हिम्मत वाला चाहिए। और 12:27 पे ये दिया था पेट्रोनेट। ये मेरे डिलीवरी वालों के लिए भी है, जो डिलीवरी करते हो उनके लिए इसका टारगेट है 264। कितना है? 264 डिलीवरी वालों के लिए। और जो फ्यूचर में करना चाहते हैं तो रिस्क बहुत बड़ी है, इसलिए मैं अवॉइड बोलूँगा, अवॉइड प्लीज़। ये डिलीवरी का एक्चुअली टाइम नहीं मिला आज मुझे वीडियो बनाने का, ये डिलीवरी में आ गया मेरे, जैसा मेरा हमेशा आता है। लेकिन स्टॉप लॉस भी 10% का, टारगेट भी 10% का। जो फ्यूचर में खेलता है उसके लिए ये स्टॉप लॉस है, लेकिन जो डिलीवरी लेगा उसका 10% स्टॉप लॉस 241 से जोड़ लीजिए और 10% आपका टारगेट विद इन वन मंथ। समझ में आ गया होगा सबको। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मार्केट एक बार देख लेता हूँ। ठीक है।